नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने यूपी के बेरोजगार युवाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पेपर लीक के कारण निरस्त हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की पुनः परीक्षा करवाने के लिए सीएम योगी से कहा है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लेटर भी शेयर किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, पेपर लीक के कारण निरस्त उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की पुनः परीक्षा करवाने हेतु मैं आपसे आशा करता हूं कि बेरोजगारी की पीड़ा व दर्द को समझेंगे और इस भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र ही कुशलता पूर्वक सम्पन्न करवाएंगे। पेपर लीक के कारण निरस्त उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की पुनः परीक्षा करवाने हेतु मैं आपसे आशा करता हूं कि बेरोजगारी की पीड़ा व दर्द को समझेंगे और इस भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र ही कुशलता पूर्वक संपन्न करवाएंगे। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी को भेजे अपने लेटर में लिखा, सादर विदित हो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 को आपकी सरकार द्वारा सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा के रूप में प्रचारित किया गया था, परंतु सभी सत्रों के पेपर लीक होने के कारण इस भर्ती परीक्षा को 24 फरवरी 2024 को निरस्त कर दिया गया और मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा कहा गया था कि 6 महीने में इस परीक्षा को करा लिया जाएगा। अब 6 महीने पूरे होने को हैं और सरकार सो रही है। भीम आर्मी चीफ ने कहा अपने लेटर में लिखा, मुख्यमंत्री जी 48 लाख अभ्यर्थियों और उनके गरीब परिवारों को इस भर्ती के पूरा होने का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इसमें 60,000 अभ्यर्थी बेरोजगारी के दंश से आजाद को आ जाएंगे। अगर इस परीक्षा को शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न नहीं कराया गया तो इससे ऐसा प्रतीत होगा कि सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए भर्ती को लाया गया था, जो 48 लाख अभ्यर्थियों और उनके परिवारों के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के साथ धोखा होगा। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आशा करता हूं कि बेरोजगारी की पीड़ा व दर्द को समझेंगे और इस भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र ही कुशलता पूर्वक संपन्न करेंगे। अब जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक बार फिर से आवाज उठाई है और यहाँ पर उन युवाओं के लिए आवाज उठाई है जो यूपी पुलिस 2024 में अपना एग्जाम देने के लिए तैयार थे लेकिन कहीं ना कहीं पेपर लीक थे। अब इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।